नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीक और मैं हूं प्रियंका। आइए नजर डालते हैं झांसी की ताजा खबर पर। भले ही योगी सरकार में विद्युत व्यवस्थाएं पहले से काफी बेहतर हुई हैं, हालांकि बिजली हमें शहरी व नगरीय क्षेत्र में पहले से काफी बेहतर मिलने लगी है, लेकिन पुराने जर्जर हो चुके विद्युत तारों और विभाग की लापरवाही की वजह से रोज इतने फॉल्ट होते हैं कि लोगों को बार बार विद्युत सप्लाई बाधित होने से परेशानी होती है। एक तो गर्मी और उस पर दिन भर में कई बार बिजली जाने से लोग परेशान हो जाते हैं। बीती रात भी मऊरानीपुर नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती में सेंट मैरिज स्कूल के पास विद्युत केबल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से उसमें आग लग गई, जिसमें विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि खराब विद्युत लाइन को बदलने की जगह उसे बार बार सही करते हुए लीपा पोती करके काम चलाया जा रहा था, जिसके चलते बीती रात अचानक विद्युत केबल में आग लगी और बाद में विद्युत तारों में इस तरह आतिशबाजी हुई कि लगा कि जैसे दीपावली में पटाखे चल रहे हों। फिलहाल इस घटना से आस पड़ोस में रहने वालों के किसी घर में आग नहीं लगी, यह गनीमत रही। लेकिन अगर समय रहते खराब पड़ी विद्युत लाइन नहीं बदली गई तो किसी भी दिन इसी तरह के फॉल्ट बड़े हादसे में तब्दील हो सकते हैं। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B pharma, M pharma, BSc, BTech, MTech and polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address: Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.